Hey everyone, so today we are going to learn beautiful art from sculpture art, and I am going to share step by step process how you can also make scene. Let's start the video. तो सबसे पहले हमने लिया है ये MDF का बेस, और इसके बाद इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ ये मिक्स मीडिया का पेस्ट. इसका जो बेस होता है ना, वो थोड़ा अनइवन सा रहता है, तो हमें भी एकदम रफली इसका बेस रेडी करना है. एंड इसमें यहाँ कुछ मैं कलर ऐड करके इसे सेट कर रही हूँ. आप अपने हिसाब से कुछ भी शेड यहाँ ले सकते हैं. फिर मैं इसे एकदम से पूरी तरह बेस को रेडी करके और इसे ड्राई होने के लिए रख दूँगी. उसके बाद मैं इस पर स्टेंसिल का यूज़ कर रही हूँ और कुछ इस तरह की डिज़ाइन को मैं इस पर बनाऊँगी. तो ये स्टेंसिल पूरा कवर नहीं हो पा रहा है, तो इसके साइड में बचे हुए पार्ट को हम पहले वाले पार्ट को सूखने के बाद कवर कर लेंगे. उसके बाद मैंने यहाँ पे सैंपल के लिए एक रेड रोज़ लिया है, ताकि मैं आराम से इसे देख के एक रोज़ का अच्छे से शेप रेडी कर सकूं. तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पहले वाइट कलर और पिंक कलर लूँगी. तो इस पेस्ट को हमें कुछ इस तरह से अच्छे से मिक्स करना है एंड एकदम स्मूथ बनाना है. इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो इस पेस्ट को आपको नाइफ से कुछ इस तरह से फैला देना है एंड टिश्यू से नाइफ को एकदम क्लियर कर लेना है. इसके बाद मैं रोज़ का मिड वाला पार्ट बना रही हूँ, तो इसी के आसपास हम अपनी सारी पेटल्स को लगाएंगे. तो पेटल्स को हमें कुछ इस तरह का शेप देके और इसे थोड़ा सा हाथ से रोल कर लेना है. कुछ इस तरह की पेटल्स बनाने के लिए हमें पेस्ट में से नाइफ को एक बार राइट की तरफ से इस तरह से कलेक्ट करना है एंड देन फिर इसे टिश्यू से क्लियर करके और इसे एक बार साइड में से टिश्यू के ऊपर छोड़ देना है. एंड फिर लेफ्ट साइड से दूसरी पेटल्स को हम इस तरह से बनाएंगे. तो इसी तरह से हमें एक बार राइट और एक बार लेफ्ट दोनों तरह से पेटल्स को रेडी करना है. तो पेटल्स को हमें बहुत ही ध्यान से उठाना है और इसकी शेप को ख़राब नहीं होने देना है. इस तरह से हमारी सारी पेटल्स को बनाते जाएंगे और एक एक करके बेस के साइड के ऑफ लगाते जाएंगे. रोज़ बन जाने के बाद में अब हम लीफ बनाएंगे. तो लीफ के लिए भी मैंने सेम पेस्ट लिया है और इसे एक बार स्मूथ कर लिया है और नाइफ की हेल्प से एक बार राइट से कलेक्ट करेंगे और एक बार लेफ्ट की तरफ से कलेक्ट करते जाएंगे. इन दोनों साइड्स को साथ में स्टिक करके एक लीफ का शेप दे देंगे. उसी तरह से हम सारी लीव्स को भी रेडी करते जाएंगे और स्टिक करते जाएंगे और थोड़ा सा नाइफ से इसे डिटेल भी देते जाएंगे. तो ये सब काम फिनिश हो जाने के बाद में मैं थोड़ा सा अपने बेस की फिनिशिंग कर लूँगी एंड इसके बाद मैं थोड़ा रोज़ को सिल्वर कलर से हाईलाइट कर लूँगी.
एंड लीव्स को भी थोड़ा सा ग्रीन कलर से मैं कलर कर दूंगी। A few moments later. So that's it. Beautiful piece is ready. तो इस तरह से हमारी ये स्कल्पचर आर्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो मुझे ज़रूर बताना कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड ऐसे ही वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।